अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 16 से 30 नवंबर तक टीबी मुक्त हिमाचल पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में हमीरपुर में सीएमओ अर्चना सोनी ने पत्रकार वार्ता कर हमीरपुर में चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। चल रहा है, इसमें हमारे कफ कॉर्नर बनेंगे हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पर और इस मेडिकल कॉलेज में 6 कफ कॉर्नर चलेंगे। 200 टीमें हमारी बन चुकी हैं और उन 200 टीमों की हमारी कहां कहां किस लेवल पर होना है और हमारे 90,000 की आसपास की पॉपुलेशन हमने स्क्रीन करनी है। उसमें अराउंड 20% ऑफ पॉपुलेशन बन रही है, उसमें हम 13 हाई रिस्क ग्रुप्स को टेकअप कर रहे हैं। उन 13 हाई रिस्क ग्रुप में डायबिटिक, HIV पॉजिटिव और हॉस्टल्स में रहने वाले, वृद्धाश्रम में रहने वाले, जेल में रहने वाले, ये जहाँ भी कम्युनिटी में इकट्ठे लोग रहते हैं, उन लोगों को स्क्रीन करके, उनके कॉन्टैक्ट्स को स्क्रीन करके, उस तरह से हाई रिस्क एरिया को कवर करने का हमारा इसमें अभियान है। मैडम, अभी तक क्या स्टेटस है हमीरपुर का टीबी के? अभी तक इस साल का अगर हम मैं बोलूं तो हमारे पास 761 केसेस हैं, उसमें टोटल अगर मेल बोले तो 490 मेल हैं और 271 हमारे पास फीमेल हैं जो हमारे पास इस वक्त अंडर ट्रीटमेंट हैं। कैंपेनिंग कब से शुरू होगा, कब तक चलेगी? ये 16 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक चलेगी। एक हमारा प्रोग्राम मेंटल हेल्थ के अंतर्गत नशा निवारण पर एक प्रोग्राम चल रहा है, वो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक लॉन्च हो रहा है। क्योंकि आजकल हमारे जिला में भी, ओवरऑल स्टेट में भी और हमारे जिला में हमने ऑब्जर्व किया है कि नशे की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। हर तरह के नशे हर रोज़ अखबार में, तो इसके मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम एक नशा इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एंड एज पर गाइडलाइंस फ्रॉम स्टेट हम एक इकट्ठा मिला जुला अभियान चला रहे हैं। इसमें ऑल द हाई स्कूल्स एंड हाई सेकेंडरी स्कूल्स, इनको हमने कवर करना है। इनकी मॉर्निंग असेंबलीज में इनको नशे के दुष्प्रभाव, नशे से कैसे बचना है, स्कूल के इर्द गिर्द नशे की कोई, नशा करने वाली कोई वस्तु ना मिले, इन सब चीज़ों का हमने वो किया है मॉर्निंग असेंबलीज में। इसके साथ नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पब्लिक में एक अवेयरनेस की जाएगी। वो हर ब्लॉक में 2-2 नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे एक हमारी टीम्स बनी हुई हैं बेसिकली नशा निवारण के लिए, एक स्पेशल हेल्थ कैंप किए जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में कैंप किए जाएंगे, प्रेफरेबली ऑन संडे, ताकि और वहाँ हमारे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम ऑफिसर हैं, ही इज़ इन्वॉल्व, डॉक्टर रत्तू हैं उसमें इन्वॉल्व, और उसके साथ हमारे कुछ मेडिकल ऑफिसर्स और स्टाफ नर्सेज ट्रेंड हो चुके हैं स्टेट से, उनको हमने अलॉन्ग विद लेके, तो हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर और हमारे मेडिकल कॉलेज में बोलूँ 2 साइकेट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जो उनको साइकोथेरेपी भी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का इसमें बहुत रोल है। क्योंकि जो नशे की चपेट, एक तो है कि हमने नशे से कैसे बचना है, नशे से बचने के लिए ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, काउंसलिंग कैसे करनी है, पर उसके साथ साथ है, इसके साथ साथ एक अगर जो नशे की चपेट में आ जाते हैं तो उनके लिए हम गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे यहाँ 6 बेड्स हैं मेडिकल कॉलेज में और 2 साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके वो लोग उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट भी हो गई है। और उसके माध्यम से जो लोग नशे की, मेरा यहाँ से अभियान भी ये रहेगा भी कि जो लोग नशे की चपेट में आ गए हैं, ज़्यादातर हमारे युवा वर्ग है इसमें नशे की चपेट में, तो वो इन फैसिलिटीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, अपने आप वॉलंटियर आएं। वैसे स्कूलों में तो हम स्क्रीन कर ही रहे हैं बट समटाइम्स इट इज़ नॉट सफिशिएंट, तो मैं ये समझती हूँ कि लोग वॉलंटियरली आएं ताकि हम इस अभियान को और सक्सेसफुल बना सकें। इसमें एक NGO भी हमारे साथ जुड़ी है, दैट इज़ रेड रिबन क्लब, और वो जो कॉलेजेस और प्लस टू तक तो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट स्क्रीन कर रहा है, पर जैसे कॉलेजेस हैं या ITIs हैं जहाँ बच्चे सारे इस तरह के युवा वर्ग हैं, उनको रेड रिबन, हमारे पास हमारे ज़िला में 36 रेड रिबन क्लब्स हैं, तो उन रेड रिबन क्लब्स के माध्यम से हम उन बच्चों को कॉलेजेस तक इसका मैसेज देना चाहते हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं, और जो ग्रस्त लोग हैं उनको हम ट्रीटमेंट पे डालना चाहते हैं।